जसवंत नगर नगला राठौर स्थित कुएं में मिले 16 वर्षीय युवक के शव मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 हत्यारोपी 2 कबाड़ी सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह के निर्देशन में एसपी नगर व अपराध के कुशल मार्गदर्शन तथा सीओ जसवंत नगर के नेतृत्व में एसओजी व सर्विलांस टीम एवं थाना कोतवाली जसवंत नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बीते 12-13 जून को ग्राम नगला राठौर स्थित कुएं में मिले युवक के शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 हत्यारोपी 2 कबाड़ी सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पूर्व 13 जून को थाना कोतवाली जसवंत नगर पर अजय कुमार पुत्र स्व काली चरण निवासी लोहामंडी थाना जसवंत नगर द्वारा अपने पुत्र कुश कुमार के 12 जून को अपने ई रिक्शा में बैठाकर अपनी माँ और अपने भाई को डॉक्टर के पास दवा दिलाने लिए जाकर वहां से किसी अन्य सवारी को छोड़ने के बारे में कहकर जाना और बाद में घर पर न लौटकर आने के बारे में सूचना दी गई और यह भी बताया गया कि हमारे द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद कुश कुमार की ई रिक्शा ग्राम नेलोई के पास एक तालाब में पड्डा मिला तथा कुश कुमार को खोजने पर उसका शव ग्राम नगला राठौर के पास पवन कुमार पुत्र सुखराम के कुएं में मिला। मुखबिर की सूचना के आधार हत्या में संलिप्त 3 हत्यारोपियों को थाना सैफई रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से युवक की हत्या के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त सनी मृतक के चचेरे भाई द्वारा बताया गया कि मृतक कुश कुमार मेरे चाचा का बेटा था और ई रिक्शा चलाता था। अभियुक्त सनी एवं मृतक कुश कुमार के पिता के बीच पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर मारपीट हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए मेरे व मेरे 2 अन्य साथियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्राम नेलोई स्थित ईंट भट्टे पर कुश कुमार को भाड़े की कहकर ई रिक्शा सहित बुलाया था, जहां हम लोगों द्वारा योजना के अनुसार गमछे से गला दबाकर कुश कुमार की हत्या कर उसके शव को नगला राठौर स्थित कुएं में फेंक दिया तथा उसके ई रिक्शा से बैटरी निकालकर ई रिक्शे को ग्राम नेलोई के पास तालाब में फेंक दिया। उसके उपरांत हम लोगों ने सिरसा नदी के पुल के पास से फल विक्रेता के यहां से इन्वर्टर बैटरी को चोरी किया था तथा सभी इन्वर्टर बैटरी को बबलू कबाड़ी को बेच दिया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर कबाड़ी के यहां से मृतक के ई रिक्शा की बैटरी व चोरी किए गए अन्य इन्वर्टर व बैटरी को बरामद कर 2 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम सनी पुत्र राजकुमार निवासी लोहामंडी थाना जसवंत नगर इटावा, अमित शंखवार पुत्र अमरनाथ व अमित गुप्ता पुत्र दिनेश कौशल निवासी उपरोक्त एवं बबलू पुत्र कल्लू व सनी पुत्र कल्लू कबाड़ी निवासी फकटपुरा बताए गए हैं। इन गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर ई रिक्शा बैटरी एक इन्वर्टर व बैटरी फल विक्रेता के यहां से चोरी की हुई बरामद हुई। पुलिस टीम में सतीश चंद्र यादव प्रभारी एसओजी, एसआई बेचन कुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस, नवरत्न गौतम प्रभारी निरीक्षक थाना जसवंत नगर मय टीम शामिल रहे। उक्त घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा ₹25,000 के पुरस्कार की घोषणा की गई है। जसवंत नगर से प्रदीप सिंह चौहान की रिपोर्ट, सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत। बुलंद एक एक तालाब था सूखा, लगभग 50-55 फीट गहरा। उसमें एक डेड बॉडी दिखाई दी। उस डेड बॉडी को निकलवाया गया तो वो डेड बॉडी, उसकी पहचान जो है कुश कश्यप के रूप में हुई। इस संबंध में तत्काल उसका जो अभियोग पंजीकृत किया गया, उसके उपरांत पोस्टमार्टम और सारी चीज़ें कार्रवाई हुई। अज्ञात पे ये अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग के अनावरण के लिए इंस्पेक्टर जसवंत नगर और मेरी क्राइम ब्रांच की टीम साथ में लगी। 48 घंटे की मेहनत के उपरांत उनके द्वारा एक लड़के सनी कश्यप को पकड़ा गया, जो कि मृतक का चचेरा भाई था। उससे पूछताछ में जब बात निकल के आई है, दो मित्रों के साथ उसने अपने चचेरे भाई का गला घोट के उसकी हत्या कर दी। कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पिताजी और कुश के पिताजी के बीच मारपीट की घटना हुई थी। ये उसी समय से इसके दिमाग में ये था कि हम कुछ न कुछ कार्य ऐसा करेंगे जिससे इनको भी तकलीफ पहुंचे। उसने अपने दो मित्रों को तैयार किया, अमित कौशल और अमित शंखवार को। तीनों मिलकर इसको कस्बे से साथ में लेकर निलोई गांव, जहां की मृतक का मौसियाना था, वहां पर गए। वहां पे भट्टा है और भट्टे पे आज के
जब वो लोग देख के आए थे, रेकी करके आए थे कि भट्टे पे वर्तमान में कोई भी मजदूर नहीं है। स्थान भी चिन्हित था, वहाँ ले जा करके तीनों ने मिलकर उसका गमछे से गला कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत इन लोगों ने पास में ही एक सूखा कुआं था, उसमें ले जाकर डेड बॉडी को डाल दिया। फिर लौट कर आके ई रिक्शा, एक नज़दीक का जो तालाब था, बैटरी ई रिक्शा की निकाल ली है और ई रिक्शा को तालाब में ही डाल दिया था ताकि ये डूब जाएगा, पता नहीं लगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर निकला रह गया, तो बाद में उसी जानकारी मिली थी। उसके उपरांत भी ये लोग एक साथ निकले हैं, अपने कस्बे में गए हैं, जसवंत नगर कस्बे के रहने वाले हैं। इनके द्वारा वहाँ पे एक फल विक्रेता के यहाँ से इन्वर्टर और बैटरी और चोरी की गई। उसी रात चोरी करने के उपरांत अगले दिन 14 तारीख को इन्होंने 5 बैटरी बबलू मंसूरी और सनी मंसूरी को बेच दिया 5400 रुपये में, और आपस में पैसे का बंटवारा कर लिए थे। जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके द्वारा पूरी बातें बताई गई, इकबाल किया गया हत्या का, बैटरी के बारे में पूछने में बैटरी भी दोनों कबाड़ियों को पकड़ा गया है। 5ों बैटरी और इन्वर्टर बरामद हो चुका है। साथ में भट्टे पे जहां पे उसकी हत्या की गई थी, मृतक का चप्पल और मास्क भी बरामद हो गया है। आज इस संबंध में जिस टीम ने, इंस्पेक्टर जसवंत नगर और क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे केस का अनावरण कराया है, इस टीम के उत्साहवर्धन के लिए मेरी तरफ से इनको 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की। आप देख रहे हो सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।